नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम डिस्कशन करेंगे वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले हम समझेंगे वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम्पल प्रोग्राम और यूएमएल डायग्राम। फिर हम डिस्कशन करेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यूएमएल डायग्राम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्चुअल फंक्शन, इसकी मदद से हम C++ C# में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, जिसे हम डायनेमिक या लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। यह हमें तभी रिक्वायर्ड है जब पेरेंट क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हो और ओवरराइडन फंक्शन को कॉल कर रहा हो। ओवरराइडन फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो पेरेंट और चाइल्ड दोनों क्लासेस में है। अगर हम वर्चुअल यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट C++ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करके पेरेंट के फंक्शन को ही कॉल करेगा। वर्चुअल फंक्शन बनाते हुए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वर्चुअल कीवर्ड लगता है पेरेंट क्लास के फंक्शन में। वर्चुअल या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म केवल ओवरराइडिंग फंक्शन पे एप्लीकेबल है, ओवरराइडेड फंक्शंस पे नहीं। जावा में वर्चुअल कीवर्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि जावा बाय डिफॉल्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करता है। पेरेंट क्लास पॉइंटर अपने चाइल्ड को पॉइंट कर सकता है, लेकिन हम रिवर्स या वाइस वर्सा नहीं कर सकते। अब मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। आप चाहे तो इसके कोड ब्लॉक्स या टर्बो C++ या कोई और कंपाइलर यूज कर सकते हैं। मैं यूज करूँ कोड ब्लॉक्स का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया क्लास A, जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया शो, जिसमें मैं मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ ए शो। अब क्योंकि मुझे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करनी है तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल इंट्रोड्यूस कर दिया है। हमने बनाया क्लास बी जो ए को इनहेरिट कर रहा है, फिर से हमने यहाँ पे शो बना दिया। अब जो फंक्शन पेरेंट में है वही फंक्शन में चाइल्ड में रीडिफाइन किया है, तो ये ओवरराइडिंग है। हमने फिर से एक शो फंक्शन बनाया, लेकिन अब हमने पैरामीटर भेजा इंटीजर एक्स, तो ये ओवरलोडिंग हो गया। मेन प्रोग्राम में हमने ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उससे पूछा शो, तो ये CTP ने कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। हमने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट टू से पूछा शो, तो ये कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। हमने बना दिया पॉइंटर ए क्लास का, जिससे हम कहते हैं पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। हमने पॉइंटर से कहा कि आप ऑब्जेक्ट वन को पॉइंट करें, और पॉइंटर से पूछा आप जिसको पॉइंट करें उसका शो फंक्शन। क्योंकि पॉइंटर ऑब्जेक्ट वन को पॉइंट कर रहा है, इस कारण से सही शो फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वन भी ए क्लास का है और पॉइंटर भी ए क्लास का। अब हमने पॉइंटर से कहा कि आप ऑब्जेक्ट टू को पॉइंट करें जो बी क्लास का है। अगर हम यहाँ पे वर्चुअल नहीं लगाते तो हमेशा ए का ही फंक्शन कॉल होता है, लेकिन हमने क्योंकि वर्चुअल लगाया हुआ है तो अब हमारा कंपाइलर सही फंक्शन ही कॉल करेगा, यानी बी का शो। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और रन कर लेते हैं। पहले आ रहा है ए शो, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट वन से पूछा था। ऑब्जेक्ट टू ने शो ने कहा बी शो, हमने पॉइंटर के थ्रू पहले शो करवाया था तो ये ए शो आया, फिर से पॉइंटर के थ्रू शो हमने करवाया तो आया बी शो। अब यहां से आप लोगों को वर्चुअल कीवर्ड हटा के दिखा रहा हूं। अब हमें सही आंसर नहीं मिलेगा। अगर हम अंतिम लाइन देखें तो आ रहा है ए शो, क्योंकि हमारे कंपाइलर ने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज नहीं किया। अब इसी को हम यूएमएल डायग्राम से समझेंगे। आपने देखा क्लास ए में एक शो फंक्शन था जो वर्चुअल था, क्लास बी में एक शो फंक्शन था जो हमने ओवरराइडिंग किया था। पहले हमने ऑब्जेक्ट वन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया तो CTP हुआ, फिर हमने ऑब्जेक्ट टू पे ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये भी CTP था। लेकिन जब पॉइंटर आ गया और पॉइंटर के थ्रू हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए तो वहां पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हुआ। अब हम बात करते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में। प्योर वर्चुअल फंक्शन के केस में पेरेंट क्लास केवल डिक्लेरेशन देता है और चाइल्ड क्लास को देनी पड़ती है फंक्शन की डेफिनेशन। सिंटेक्स से पहले लिखना पड़ता है वर्चुअल, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, डेटा टाइप और पैरामीटर। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लिखते हैं इक्वल टू जीरो, जो रिप्रेजेंट करता है कि हम इस फंक्शन की केवल डिक्लेरेशन दे रहे हैं, डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक क्लास जिसमें एक या एक से अधिक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो तो ऐसी क्लास को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते, लेकिन पॉइंटर्स बन सकते हैं। चाइल्ड क्लास अगर
प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन ना दे तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है और उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बन पाते हैं। अब इसकी मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखा रहा हूँ कोड बॉक्स में। मैंने बनाया क्लास फ्लूट जिसमें ने डिफाइन किया वर्चुअल वर्ल्ड टेस्ट, क्योंकि हर फ्लूट का एक टेस्ट होता है लेकिन उसका स्वाद कैसा होगा ये अनडिफाइंड है, तो यहाँ मैंने केवल डिक्लेरेशन दे दी। हमने बनाया क्लास मैंगो जो फ्रूट को इनहेरिट कर रहा है और यहाँ हमने डेफिनेशन दे दी कि मैंगो का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। मेन प्रोग्राम में हमने पॉइंटर बना दिया फ्रूट का, जैसा कि हमने डेफिनेशन देखा था कि ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल नहीं है, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये एरर दे देगा। हमने बनाया मैंगो एम। अब अगर हम डायरेक्टली एम से पूछें कि आपका स्वाद कैसा है तो वो कहेगा मैंगो इज स्वीट, तो सी टी पे अप्लाई होगा। लेकिन अब यहाँ पे पेरिंग का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एम को और हम पॉइंटर से पूछें कि आप इसे पॉइंट कर उसका टेस्ट कैसा है। अब क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल लगा हुआ है तो सी प्रोसेस रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करके सही फंक्शन को कॉल कर लेगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पहले जब हमने सी टी पे किया तब भी मैंगो स्वीट आया, जब हमने आर टी पे अप्लाई किया तो भी मैंगो स्वीट आया। अब इसी को हम यूएमएल डायग्राम से समझते हैं। हमने बनाया क्लास फ्रूट जिसमें हमने डिफाइन किया टेस्ट, मैंगो जिसमें हमने डिफाइन किया टेस्ट को, एक पॉइंटर फ्रूट क्लास का, एक इंस्टेंस मैंगो क्लास का। डायरेक्टली जब हमने एम से पूछा टेस्ट तो वो सी टी पे हुआ, लेकिन जब पॉइंटर था एम को और हमने एफ से टेस्ट पूछा तो वो आर टी पी था। दोस्तों शुक्रिया आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, वर्चुअल बेस्ड क्लास और फ्रेंड फंक्शन को कवर करूंगा।